My God. भारत का वन हॉर्न्ड राइनोसेरस ऐसा जीव है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा मांग है। आप कह सकते हैं कि इसके सबसे ज्यादा दुश्मन हैं। 4 करोड़ सालों तक कई तरह की ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक उठापटक झेलकर भी ये सर्वाइव करता रहा, लेकिन अब इसका सामना जिस चीज से है वो शायद इसके सर्वाइवल के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा साबित होगी। ईस्टर्न हिमालयाज और कार्बी एंगलोंग हिल्स के फुट हिल्स में जमीन के बस एक छोटे से हिस्से में रहने वाले ये शानदार जीव अपने सर्वाइवल के लिए इंसान और कुदरत से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में इनके जीतने की उम्मीद सिर्फ भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में है। राइनो की प्रॉब्लम्स की असली जड़ इसके स्नाउट पर मौजूद 24 इंच की एक केराटिन ग्रोथ है, जिसे हम सींग या हॉर्न कहते हैं। ये कोकेन से भी महंगा है और ब्लैक मार्केट में ये बहुत ही ऊंचे दामों में बिकता है। कई एशियन कल्चर्स में माना जाता है कि राइनो के सींग में मैजिकल पावर्स होते हैं और लोग इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं, इसीलिए पोचिंग एक जबरदस्त बिजनेस है। काजीरंगा पहुंचने के 24 घंटे के अंदर ही इस खतरे से हमारा पहला सामना हुआ। रेंजर्स को खबर मिली है कि पोचर्स पार्क के बुरा पहाड़ रेंज से अंदर घुसने की कोशिश कर सकते हैं। उस तरफ बढ़ते हुए मैं इस इलाके की खूबसूरती में डूब गई हूँ। एक तरफ दूर दूर तक फैले नीले पहाड़ और साफ सुथरे टी गार्डन्स हैं और दूसरी तरफ हरा भरा घना जंगल है। भारत के अनोखे एप्स हुलक गिबन्स, कैप्ड लंगूर्स और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स, इस ग्रीन पैराडाइज में राइनोज, एलिफेंट्स और टाइगर्स के साथ रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, लेकिन रेंज ऑफिस की बाउंड्री में कदम रखते ही मूड बिल्कुल बदल गया। यहाँ काफी टेंशन है और आर्म्ड गार्ड्स पोचर्स को पकड़ने की तैयारी में हैं। इतने सेंसिटिव एरिया के रेंज ऑफिसर होने की वजह से पुष्पधर बोरगोहाइन हमेशा तनाव में रहते हैं। इनकी रेंज में एक पोरस बॉर्डर है जिसमें एक तरफ विशाल ब्रह्मपुत्र नदी है और दूसरी तरफ कुकरकटा हिल्स हैं। इसके अलावा पार्क के ठीक बाहर नेशनल हाईवे भी है। यहाँ ऐसी कई जगहें हैं जहाँ से पोचर्स पार्क में घुसकर राइनोस का शिकार कर सकते हैं। ये पुसार का ये भी एक रूट है, वो थोड़ा हिल से उतर के घुस जाता है अंदर। तो यहाँ 2015 मई में एक पोसार भी किल हुआ था वहाँ पे। ये भी एक मेन रूट है उसका। वो कहाँ से आते हैं? ये थोड़ा कभी कभी वो ब्रह्मपुत्र रिवर से नाव लेके आता है, कभी हाईवे से क्रॉस होके आता है। अच्छा, इनके पास इतने लोग या रिसोर्सेज नहीं हैं कि ये सभी पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स पर गश्त लगाकर इनकी सुरक्षा कर सकें। बोरगोहाइन ने अपनी रेंज में उन इलाकों का जायजा लिया जहाँ पोचर्स के छिपने की पॉसिबिलिटीज हैं और जहाँ पहले भी पोचर्स के साथ उनके एनकाउंटर्स हो चुके हैं, और ऐसी 3 जगहों को मार्क किया जहाँ से पोचर्स के आने के चांसेस हैं। ये एक बहुत बड़ा दांव है। अगर पोचर्स किसी और रूट से आए तो इतने बड़े एरिया में उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें पार्क में आने से रोकना होगा,
नहीं तो इनके एक या ज्यादा राइनोज मारे जा सकते हैं। ये बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में लगभग 40% पोचिंग इसी एरिया में होती है। बोर्गोहोइन इस एरिया को अच्छी तरह जानते हैं और ये अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि इन्होंने जिन 3 एंट्री पॉइंट्स को मार्क किया है वहां सबसे ज्यादा खतरा है और ये हर खतरे के लिए तैयार हैं। इनकी पूरी एंटी पोचिंग टास्क फोर्स इन्हीं 3 जगहों पर घात लगाकर पोचर्स के लिए इंतजार करेगी। काफी मिन्नतें करने के बाद फाइनली इन्होंने इस हाईली सेंसिटिव ऑपरेशन में हमारे कैमरास को एक सेफ डिस्टेंस पर रखने की इजाजत दे दी। गार्ड्स ने अपनी पोजीशन संभाल ली और अब ये घात लगाकर बैठे हैं। लेकिन क्या पोचर्स इन 3 जगहों में से ही किसी एक रास्ते से आएंगे या बोर्गोहोइन का दांव उल्टा पड़ जाएगा? इस वक्त हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बुरा पहाड़ रेंज में हैं। ये पार्क में आने के लिए पोचर्स के सबसे पॉपुलर रूट्स में से एक है। ये जो खूबसूरत हिल्स हैं, इन पोचर्स के छिपने के लिए परफेक्ट जगह हैं। वहाँ सैकड़ों केव्स हैं और अगर एक बार वो पोचर्स उन हिल्स में पहुंच गए तो पार्क अथॉरिटीज भी कुछ नहीं कर सकती। पुराने जमाने में किसी ने राइनो को एक चलता फिरता अपोथेकरी यानी दवा का भंडार कहा था। ओरिएंटल मेडिसिंस में इसकी बॉडी के हर पार्ट को यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड इनके सींग यानी हॉर्न की है। कई एशियन कल्चर्स में माना जाता है कि सींग में मैजिकल क्यूरेटिव पावर्स होती हैं और इन्हें एफ्रोडिजियाक के तौर पर भी यूज किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि ये उन्हें हमेशा यंग और पोटेंट रख सकता है। मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से इंडियन राइनो को अफ्रीका और एशिया के दूसरे पार्ट्स के राइनो से बेहतर माना जाता है। साइंटिफिक स्टडीज से ये साबित हो चुका है कि सींग यानी हॉर्न में कोई स्पेशल मेडिसिनल या और कोई पावर्स नहीं होती, लेकिन मान्यताएं नहीं बदलती। और दुनिया भर में बैन होने के बाद भी वियतनाम, चाइना और कई दूसरी एशियन कंट्रीज ने इनका कारोबार चल रहा है। इल्लीगल होने की वजह से ब्लैक मार्केट में राइनो हॉर्न की काफी ऊंची कीमत है। असल में ये कोकेन से भी महंगा है। अनुमान है कि ये लगभग $3,00,000 पर किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। राइनो हॉर्न की बढ़ती हुई डिमांड से पोचिंग में तेजी आई है। बुरा पहाड़ इलाके में रेंजर्स इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इन्हें खबर मिली है कि पोचर्स कभी भी पार्क में आने की कोशिश कर सकते हैं। ये रेंज हाई अलर्ट पर है। तीन सबसे सेंसिटिव लोकेशंस को मार्क करके तीनों जगह गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है। अक्सर पोचर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं। किसी जमाने में पोचर्स पिट पोचिंग जैसे ट्रेडिशनल तरीके अपनाते थे, लेकिन पिछले लगभग 10 साल से वो AK सीरीज की राइफल्स जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज करने लगे हैं। पहले पार्क मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक ये थी कि पोचर्स अक्सर नेशनल पार्क के आसपास के गांवों में छिप जाते थे। असम के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रमिला रानी ब्रह्मा ने इस प्रॉब्लम का सीधा सामना करने का फैसला किया। इन्होंने कई कदम उठाए और गांव वालों से मिलकर पोचिंग के खिलाफ इस लड़ाई में उन्हें भी शामिल किया। काजीरंगा ऐसा पोजीशन में है, ये सराउंडिंग इसके सराउंडिंग विलेजेस है। वो विलेजेस का वो गांव का जितना आबादी है, इन लोगों का कोई कॉन्फिडेंस नहीं थे काजीरंगा के स्टाफ के ऊपर, कॉन्फिडेंस नहीं थे, इसलिए ये लोग हमको कोऑपरेशन नहीं करते थे। पहले मैंने इन लोगों को ये आइडिया दिया कि ये जो काजीरंगा ये आपका प्रॉपर्टी है, ये सरकार का नहीं, ये आप लोगों के बीच में है ये काजीरंगा, और इसमें जो राइनो
उत्सव है, ये हमारा असम का प्राइड है, तो आप लोगों का ही प्रॉपर्टी है, तो इनका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आप लोगों का भी काम है। तो इन लोगों ने बोला कि पहले तो हमको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन आप हमको इतना इम्पोर्टेंस दिया है, इसको लेके हम बहुत खुश हैं, तो हम आपके लिए हम काम करेंगे, ये राइनो प्रोटेक्शन के लिए हम काम करेंगे, यह कमिटमेंट इन लोगों ने दिया। पोचिंग एक्टिविटीज था पहले, इसका नंबर कम डाउन हुआ है। इनका खुद लोगों तक पहुंचना फायदेमंद साबित हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के इनके वादों की वजह से कई गांव वाले इनके साथ हो गए, लेकिन इन्होंने माना कि इस खतरे को पूरी तरह मिटाने के लिए अभी भी काफी काम करना होगा। पोचर्स अपने काम करने का तरीका लगातार बदल रहे हैं। सींग यानी हॉर्न का प्राइस लगातार बढ़ने से पोचर्स ज्यादा खतरा उठाने लगे हैं। पहले वो किसी फॉरेस्ट गार्ड को देखते ही भाग जाते थे, लेकिन आज वो गन से इनका मुकाबला करते हैं। वो देखते ही गोली चला देते हैं। बुरा पहाड़ रेंज में अब भी खतरा बना हुआ है। गांस अपनी पोजीशंस पर हैं, लेकिन किसी भी लोकेशन पर कोई भी हलचल नहीं है। पोचर्स और गार्ड्स के बीच एनकाउंटर होने के चांसेस की खबर सुनकर पाक के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रोहिणी साइकिया तुरंत बुरा पहाड़ के लिए निकल गए। रेंज ऑफिसर से बातचीत की गई और सारे अरेंजमेंट्स को दोबारा चेक किया गया। अब ये बस इंतजार करते हुए यही उम्मीद कर सकते हैं कि पोचर्स इनके ट्रैप में आ जाए। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है। पोचर्स को पाक के बॉर्डर पर ही रोकना होगा। अगर वो पाक में आ गए तो उन्हें पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अथॉरिटीज के पास इतने बड़े पार्क के हर कोने में तलाश करने के लिए मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। समय बीतता रहा, अब तक पोचर्स का कोई अता पता नहीं है। रेंज ऑफिसर्स को सबसे बड़ा डर सताने लगा है कि कहीं पोचर्स किसी और रूट से तो पार्क में नहीं आ गए हैं। भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क की बुरा पहाड़ रेंज में पोचर्स को रोकने के लिए एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन चल रहा है। रोहिणी साइकिया, यंग इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। हमें दूर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। ऑफिसर्स तेजी से उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे। हम उनके पीछे जा रहे हैं और अभी अभी किसी ने बताया कि पोचर्स शिकारी डंडी से आए हैं। हम लोकेशन पर पहुंचे और यहां जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। कोई नहीं जानता कि वहां कितने पोचर्स हैं और उनके पास कितने हथियार हैं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन पहाड़ी के ऊपर से कोई हलचल या गोलीबारी नहीं हुई।
गार्ड सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गोलीबारी रुकी हुई है। हम सब यहाँ चुपचाप टेंशन में इंतजार कर रहे हैं। ये वक्त जैसे बहुत धीरे धीरे बीता। फिर हमें कुछ आवाजें सुनाई दी। शायद गार्ड्स लौट रहे हैं। उन्होंने पोचर्स में से किसी एक को पकड़ा है। बोरगोहाइन का दांव सही पड़ा। शाम हो रही है और वापस लौटते हुए मैंने रियलाइज किया कि आज फुल मून नाइट है। पोचिंग के सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स ऐसी ही रातों में होते हैं। कम से कम उनकी एक कोशिश तो नाकाम कर दी गई। अगली सुबह मैं ये देखने के लिए फिर से वहां पहुंची जहां से पोचर्स ने अंदर आने की कोशिश की थी और ये जानने की कि उन्होंने उसी जगह को क्यों चुना। कल जिस नैरो और कीचड़ भरे रास्ते पर एनकाउंटर हुआ था उसे शिकारी डंडी या हंटर्स रोड कहते हैं। अक्सर पोचर्स पार्क में आने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक तरफ से ये रास्ता सीधे नेशनल हाईवे तक जाता है और दूसरी तरफ ये ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है। इसलिए वो इस रास्ते से आने के लिए या तो बोट का इस्तेमाल करते हैं या नेशनल हाईवे से चलते हुए पार्क में आ जाते हैं। इस रास्ते पर लगभग 2 घंटे तक पैदल चलने के बाद हम फाइनली नेशनल हाईवे तक पहुंच गए। पार्क के चारों तरफ ढेर सारे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जिसका पोचर्स फायदा उठाते हैं। पार्क के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रोहिणी साइकिया ने मुझे बताया कि काजीरंगा को मैनेज करना भारत के किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में हमारे लोग रोज 2400 घंटे यानी दिन रात अलर्ट रहते हैं तो हम पर काफी प्रेशर रहता है यहाँ के आसपास के इलाकों से, क्योंकि ये पार्क हर तरफ से खुला हुआ है और पोचर्स आते रहते हैं। और पोचर्स के आने से मेन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास बहुत सारे नए और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं। यहाँ पोचर्स AK-47 और AK-56 जैसे हथियार लेकर आ रहे हैं और हर साल काफ़ी राइनोज मारे जा रहे हैं। मारे गए राइनोज की तादाद में हर साल कमी लाने में हमें काफ़ी कामयाबी मिली है, लेकिन तब भी यहाँ पोचिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि काजीरंगा में हम जो कर रहे हैं वो सबसे मुश्किल कामों में से एक है और मेरा मानना है कि भारत के किसी भी और नेशनल पार्क से ये ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ गार्ड्स रात भर भी गश्त लगाते रहते हैं और एनिमल अटैक्स का खतरा रहता है, और रात के अंधेरे में जब कुछ भी 5 से 10 मीटर के आगे दिखाई नहीं देता उस वक्त मेरे लोगों के लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है और राइनो को प्रोटेक्ट करना बहुत रिस्क वाला काम हो जाता है। वन हॉर्न्ड राइनोसरस की पोचिंग के खिलाफ चल रही लड़ाई में काजीरंगा नेशनल पार्क एक आखिरी मोर्चा है। इंडियन राइनो का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि काजीरंगा इस लड़ाई में जीतता है या नहीं।